एक कहानी ऐसी भी दिल को छू जाने वाली सच्ची कहानी। हर दिन की तरह मैं सुबह 8 बजे मैं चाय पीने के लिए अपने हॉस्टल से बाहर जाने के लिए निकला। मैं जैसे ही चाय की दुकान वाले के पास पहुंचा, देखा आज चाय वाला वहां पे नहीं था। शायद देर से वहां पहुंचने के कारण चाय वाला वहां से जा चुका था। मेरे पास हॉस्टल लौट जाने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था। मैंने सोचा कि आगे जाकर कहीं नाश्ता कर लिया जाए। बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं आगे की होटल की ओर जा रहा था, तभी मेरी नज़र फुटपाथ पर बैठे दो बच्चों पर पड़ी। दोनों लगभग 10-12 साल के रहे होंगे। बच्चों की हालत बहुत खराब और कमज़ोर नज़र आ रहे थे। कमजोरी के कारण अस्थिपंजर साफ दिखाई दे रहे थे। वे भूखे लग रहे थे। छोटा बच्चा रोते हुए बड़े भाई को खाने के बारे में कह रहा था। बड़ा भाई उसे चुप कराने की कोशिश कर रहा था। वो जानता था ना तो मेरे पास पैसे हैं ना ही खाने के लिए भोजन जिससे मैं अपने छोटे भाई की भूख मिटा सकूं। वो भी लाचार बैठा भूख से पागल होए जा रहा था। मैं अचानक रुक गया। दौड़ती भागती जिंदगी में एकदम से ठहर से गए। इन मासूम से बच्चों की ऐसी हालत को देख मेरा मन भर आया। इनकी भूख को देख मेरा भूख खत्म सा हो गया। सोचा इन्हें कुछ पैसे दे दिए जाएं। मैंने उन्हें 10 रुपये देकर आगे बढ़ गया। जैसे ही मैं आगे की ओर बढ़ा, मेरे मन में एक विचार आया, कितना कंजूस हूँ मैं, 10 रुपये में क्या मिलेगा, चाय तक ढंग से न मिलेगी। स्वयं पर सर मारी, फिर वापस लौटा। मैंने मासूम से देखने वाले भूखे बच्चों से कहा, कुछ खाओगे बच्चे? असमंजस में पड़े मैंने कहा, बेटा मैं नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम भी कर लो। वो दोनों भूख के कारण तैयार हो गए। उनके कपड़े गंदे होने ऐसी हालत में देखकर होटल वाले ने डांट दिया, उन्हें भगाने लगा। मैंने कहा, भाई साहब उन्हें जो खाना है वो उन्हें दो, मैं पैसे दे दूंगा। मेरे बातें सुन होटल वाले ने आश्चर्य से मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में उसके बर्ताव के लिए शर्म साफ दिखाई दी। बच्चों ने नाश्ता, मिठाई व लस्सी मांगी। सेल्फ सर्विस के कारण मैंने नाश्ता बच्चों को लेकर दिया। बच्चे जब खाने लगे, उनके चेहरे की खुशी देख मेरे चेहरे पे स्माइल आ गया। उस वक्त हमें दुनिया की काफ़ी अच्छी फीलिंग आ रहा था। उन दो मासूम बच्चों को देख अपना बचपना याद आ गया। होटल से निकलने के बाद मैंने बच्चों को कहा, बेटा जो पैसे मैंने दिए हैं उसमें से 2 रुपये का शैम्पू लेकर हैंडपम्प के पास नहा लेना और दोपहर शाम का खाना पास के मंदिर में चलने वाले लंगर में खा लेना, और मैं नाश्ते के पैसे देकर फिर अपनी दौड़ती दिनचर्या की ओर बढ़ निकला। होटल के आसपास के लोग बड़े सम्मान के साथ देख रहे थे। होटल वाले के शब्द अंदर में परिवर्तित हो चुके थे। मैं अपने होटल की ओर निकला। थोड़ा मन भारी लग रहा था, मन थोड़ा उनके बारे में सोचकर दुखी हो रहा था। रास्ते में मंदिर आया। मैंने मंदिर की ओर देखा और कहा, हे भगवान आप कहाँ हो, इन बच्चों की ये हालत, ये भूख आप कैसे चुप बैठ सकते हैं? आज हमारे आसपास में ना जाने ऐसे कितने लोग हैं जो गरीबी के कारण एक पल के लिए खाने के लिए उनके पास भोजन नहीं है और ना ही उनके पास रहने के लिए कपड़े हैं। जहाँ पे इस तरह के बच्चे आपको देखें, आप उनकी मदद जरूर करें, जितना हो सके उतना मदद जरूर करें। उसके बाद आपको जो खुशी मिलेगी ना, वो खुशी कहीं और है ना।